हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं फिर से आप लोगों के साथ एक यम्मी सी बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी लेके आई हूँ। सो आज मैं आप लोगों के साथ बनाने वाली हूँ एकदम हलवाई स्टाइल मटर पनीर की सब्जी। सो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आप लोग घर पे इंजॉय करें शादियों वाली मटर पनीर की सब्जी। सो घर पे खाएंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सारा सामान मैंने यहाँ पे ले लिया है और मैं आपको बताती हूँ कि हर सामान की क्या क्वांटिटी है। सो मैंने यहाँ पे पनीर लिया है आधा किलो, मलाई है हाफ कटोरी, ऑयल कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ज़ीरा है एक टेबल स्पून, 8 से 10 काली मिर्च हैं, एक कटोरी भर की बड़ी मटर है और 2 अनियन है बड़े कटे हुए, 10 से 15 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च, 2 बड़े टमाटर कटे हुए, हरा धनिया है कटा हुआ और 1 तेजपात पत्ता, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक स्वाद के अनुसार। चलिए तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है, इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल लगाया है। ऑयल मेरा हीट हो चुका है तो मैंने ये सारे अनियन, लहसुन, ग्रीन चिली, काली मिर्च, लौंग और ज़ीरा इसमें ऐड कर दिया है। सो इनको हम थोड़ा सा गलाएंगे और यहाँ पर मैं टमाटर भी ऐड कर रही हूँ। तो सिर्फ इन्हें गलाना है, मुझे इनका पानी जलाना है तो 2 से 3 मिनट लग जाएगा। मीडियम फ्लेम पे करना है आपको, चलाते रहना है आपको बार बार। और यहाँ पे मैं ये थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करूँगी और अच्छे से मिक्स कर दूँगी और 2 से 3 मिनट लग जाएंगे आपको मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे नहीं करना है। आराम से इसका अनियन का जो कलर है वो चेंज हो जाए बस। और मुझे फ्राई नहीं करना है, सिर्फ ग्रेवी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी, ये अच्छे से इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे 8 से 10 मूंगफली के दाने और 2 बादाम इसमें ऐड करूँगी और अच्छे से इसको चला दूँगी जैसे कि ये नीचे से जले ना। सो ये ऑलमोस्ट होने ही वाला है, आप इसको ऐसे ही चलाते रहें। तो देखिए इसका पानी जो है वो बिल्कुल ही जल चुका है और जो ऑयल था वो रिलीज़ होने लगा है इसमें से। तो हम इसको अब निकाल लेंगे और इन सबको मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे, अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे इसका हम। तो ये तो भुन ही चुके हैं तो मसाले में ज़्यादा भूनने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। उसी कढ़ाई में मैंने ऑयल लगा दिया है, ऑयल हीट हो चुका है, ज़ीरा और 1 तेज़पात पत्ता लगाया है मैंने यहाँ पे। और तेज़पात पत्ता अच्छे से ब्राउन हो जाए थोड़ा सा, उसके बाद मैंने जो पेस्ट बनाया था वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। अच्छे से इसको चला दें और यहाँ पे थोड़ा सा पानी आप ऐड कर दें। तो मैं उसी कटोरे में जिसमें मैंने पेस्ट निकाला था उसी में करके पानी डाल रही हूँ यहाँ पे। तो अच्छे से चला दें, यहाँ से आपको 2 से 3 मिनट यहाँ पे लग जाएंगे और 1 से 2 मिनट पहले इसे आपको पकाना है। उसके बाद में ड्राई मसाले लगाने हैं, जो भी आपके पास ड्राई मसाले थे मैंने जो आपको बताए थे वो यहाँ पे ऐड कर देंगे 1 से 2 मिनट के बाद, तुरंत नहीं डालने हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं, अब आपको 1 से 2 मिनट यहाँ पर लग जाएंगे। अच्छे से इसको चला दें, उसके बाद यहाँ पे आप ढक देना। जब ढक देंगे ना तो क्या होगा कि इसका जो कलर है वो एकदम निकल के आएगा। यहाँ पे मैंने कोई कश्मीरी मिर्च या कुछ भी नहीं डाला है, यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल मसाले हैं, उसी से बन रहा है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो देखिए यहाँ पर 2 मिनट के बाद कितना अच्छा सा कलर आया है, बहुत ही मतलब इसमें ऐसा लग रहा है कि कश्मीरी मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं डाली है। अगर आप इस तरीके से भूनेंगे तो आपकी भी मसाले का कलर ऐसा ही आएगा। तो यहाँ पे मैंने मटर ऐड कर दिए, मटर मेरी टाइट नहीं है, अगर आपकी मटर टाइट है तो आप पहले बॉईल कर लें, मेरी ज़्यादा टाइट नहीं है। तो मैंने गर्म पानी में क्या किया था कि मटर को डिप करके रख दिया था जब तक सारी तैयारी की थी। तो मटर मेरी हो ही चुकी है और पनीर को मैंने ना फ्राई किया है ना कुछ, कच्चा पनीर आज मैं मटर पनीर के साथ बना रही हूँ। सो अब इसको 1 से 2 मिनट के लिए इस तरीके से ढक देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे मलाई ऐड कर दूंगी। तो मलाई डालने के बाद भी आपको 1 से 1.5 मिनट के बीच में इसको
पानी नहीं डालना है, सिर्फ चला के ऐसे छोड़ देना है। इस तरीके से बहुत हल्के आंच से चलाएं जिससे कि पनीर जो है आपका टूटे ना। और देखिए, लुक एट दिस, मतलब बहुत ही यम्मी सा कलर अभी आया है, ना पानी लगा है ना कुछ भी। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी जिससे कि जो हमारी मटर थोड़ी बहुत बची हो वो भी कुक हो जाए। और इसको अच्छे से पहले चला लें, उसके बाद यहाँ पे आप पानी ऐड कर दें। तो यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया है, देखिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब पानी को सिर्फ हमें बॉईल आ जाने देना है, उसके बाद गैस को बंद कर देंगे। इस तरीके से आप चलाइए, बहुत ही टेस्टी होने वाला है। मैं बार बार ये कह रही हूँ, आप ज़रूर एक बार ट्राई करें। और लुक एट दिस, मतलब बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी, बहुत ही डिलीशियस सा पनीर है। यहाँ पे मैं गरम मसाला ऐड करूँगी, 1 टेबल स्पून गरम मसाला है, और ये होममेड गरम मसाला है। तो यहाँ पे हरा धनिया, और तैयार है हमारा मटर पनीर एकदम हलवाई स्टाइल। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।